प्यारे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में। 1 सितंबर 1900 को सुल्तान अब्दुल हमीद द्वम के हुक्म पर खिलाफते उस्मानिया अधिकारियों ने मदीना मुनवरा को दमिश्क, सीरिया और तुर्की के इस्तांबुल से जोड़ने वाली 1320 किलोमीटर लंबे रेलवे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। ये प्रोजेक्ट सितंबर 1908 में कंप्लीट हो गया था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 में नष्ट होने तक रेलवे चालू रहा। आज शायद ही कोई ये बात जानता होगा कि इस महान रेलवे प्रोजेक्ट को तैयार करने में दुनिया के सभी हिस्सों के आम मुसलमानों द्वारा चंदा जमा किया गया था। यहाँ तक कि मुसलमान औरतों ने अपने गहने और जेवर तक इस अजीम काम के लिए दान कर दिए थे। अपनी जमीन से गुजरने वाली रेलवे लाइनों से प्रभावित किसानों ने ओटोमन राज्य से मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था। तुर्क सैनिकों और अरब सैनिकों ने रेलवे लाइन के निर्माण के लिए बिना पैसे लिए मजदूरी की। अरब परिवारों ने यह सुनिश्चित किया कि उनके बेटे अपने पिता का अनुसरण करते हुए सम्मानित रेलवे करियर में वॉलेंटियर्स की तरह शामिल हों। ये एक मनरेगा प्रोजेक्ट था जिसकी उस वक्त की लागत 4 मिलियन तुर्की लीरा थी, यानी लगभग 570 किलो सोना। उस वक्त तुर्की खुद आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा था क्योंकि रूस तुर्की युद्ध के जख्म ही अभी भरे नहीं थे, लेकिन खलीफा चाहते थे ये प्रोजेक्ट जरूर कंप्लीट हो ताकि हाजियों की सफर की मशक्कत कम हो सके। इस नए काम में दुनिया भर के मुसलमानों ने हिस्सा लिया, जिनमें हैदराबाद के निजाम, ईरान के शाह और मिस्र, मोरक्को वगैरह के हाकिम सबसे आगे थे। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वालों के जुनून ने यूरोपीय रेलवे विशेषज्ञों को हैरत में डाल दिया था, क्योंकि वे लोगों ने एक साल में 100 किलोमीटर से अधिक ट्रैक बनाने को नामुमकिन काम घोषित कर दिया था। लेकिन तुर्क और अरबों ने एक साल में 288 किलोमीटर ट्रैक सफलतापूर्वक बिछाकर सबके होश उड़ा दिए। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी से सारा यूरोप और ब्रिटेन जल भुन गया था। इसी जलन में अंग्रेजों ने सक्रिय रूप से अरबी बदू जनजातियों और खानाबदोश अरबों को तुर्की खलीफा के खिलाफ भड़काया और रेलवे पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस्तांबुल में ऑस्ट्रिया के उस वक्त के राजदूत ने 15 जनवरी 1908 को लिखा था कि यह आधुनिक कमर्शियल इतिहास में एक अद्वितीय वित्तीय साहसिक कार्य है। संपूर्ण हिजाज रेलवे परियोजना से पता चलता है कि ओटोमन्स के पास किसी भी कठिनाई को दूर करने की प्रतिभा है। एक ब्रिटिश शोधकर्ता ने कहा, यह मानव इतिहास में पहली रेलवे परियोजना है जिसने एक टिकट बेचे जाने से पहले अपनी लागत वसूल की थी। यूरोपीय बैंक ऋण की आवश्यकता को समाप्त करने वाले मुस्लिम दान के माध्यम से प्रदान किए गए वित्त का जिक्र करते हुए कहा था। आखिर में दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने लॉरेंस ऑफ अरेबिया और बदू कबीलों की मदद से इस अजीम रेलवे को तहस नहस कर दिया, जिसके निशान आज भी मदीना मुनव्वरा में मौजूद है, जो अपनी सुनहरे दौर की कहानी बयान कर रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक और हिस्टोरिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।